प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते और उसका गौरव और जय जयकार करते, उस जीवित परमेश्वर ने हम सबको जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना करें और महिमा करें। आइए हम उस महान परमेश्वर के उसके महान वचन में से हम पढ़ते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री इसका 5 अध्याय और हम 6 वचन को पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और 6 वचन को पढ़ लेंगे। हम सदा ढाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने आपके सामर्थ्य से, आपकी कृपा से और आपके बहुमूल्य लहू से प्रभु हमें जीवन दिया और उस पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, इसलिए आपके उपकार आभार मानते पिता। प्रभु नबी कहते हैं कि अब वो समय नजदीक आ चुका है कि हम अपने घर वापस लौटें। पिता हमें अपने घर, अपने देश, अपने वतन को लौटना है। पिता हम सबकी सहायता कर, हम सब पर दया कर, कृपा कर और प्रभु यीशु आपका गौरव महिमा जयकार। आज की संगति को आशीष कर, आज की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी दया कृपा अनुग्रह सब कुछ आपके महिमा के लिए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते और सोमा कबूल कर, आमीन। हम बैठ जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। आज हम एक छोटा सा विषय को हम देखेंगे, क्लोजर टू होम। हम अपने घर के एकदम नजदीक हैं और प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि नबी कहते हैं कि ब्राइड गो टू हर होम, दुल्हन अपने घर जा रही है और ये शीघ्र ही हो जा रहा है और शीघ्र ही दुल्हन मार्चिंग करते हुए, वो कदम ताल करते हुए वो दूल्हे के पास, जो उस दूल्हे के पास जो सोन में है, अपने स्थान की ओर दुल्हन जा रही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये समय जो है हमें अपने घर वापस, क्लोजर टू होम, हमारे घर लौटने का हमें नजदीक और नजदीक करते जाना चाहिए। हम जितना, क्योंकि ये समय, ये घड़ी एकदम हम जो है उस घर के एकदम नजदीक होना चाहिए ताकि हम थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम जो है अपने घर तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जो जिस घर में रह रहे हैं ये घर हमेशा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमें ऐसा घर देने वाला है क्योंकि हमारा जो ये जो एड्रेस है, जो हमारा पता है, ये परमानेंट पता नहीं है। यहाँ पर जो हमारा पता है, जो हमारे घर के बाहर हमारी जो नेम प्लेट लगी है, ये हमेशा के लिए नहीं, ये कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वो नेम प्लेट पहुंची जाएगी। परंतु ये जो घर है, ये जो समय है, हमें इस शरीर में रहते हुए हमारी जो दूरियां है मसीह में नजदीक करना चाहिए। प्रभु यीशु के अंदर जितने हमारी दूरियां है, हम थोड़ा थोड़ा करते हुए वचन और संदेश के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम उन दूरियों को नजदीक करना चाहिए और हम जितना नजदीक हो सके परमेश्वर के, जितना हमारे घर के पास हम जा सके, जितना हम उस घर के निकट हो सके। इसलिए क्योंकि परमेश्वर द्वार पर है और इसलिए हम सबको हमारी तैयारी करके हमें हमारे वो घर के लिए हमें अपना रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा और उस रास्ते के अंदर हमें उस यात्रा के अंदर
धीरे 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 हमारे घर की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा, हमारे घर की ओर थोड़ा थोड़ा करते हुए नजदीक जाना पड़ेगा, ताकि हम उस देश में जिसे परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया है, ताकि जो हमारा घर है, जो दुल्हन का घर है, वो ये संसार नहीं, पृथ्वी नहीं, और ये जो है हमारा घर हमेशा का घर नहीं, ये तो घर एक दिन यहाँ से छूट जाएगा, हमें तो अनंत काल के लिए उस घर में जो स्वर्गीय घर है वहां पे हमें पहुंचना चाहिए। बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम आज जो ब्राइड है निर्गमन के अंदर है। अब्राहम कहते हैं कि टोकन इस मैसेज के अंदर कि आज परमेश्वर की दुल्हन को जरूरत है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजकर, और इसलिए परमेश्वर ने संस्था के अंदर से और उन चर्चों में से परमेश्वर ने अपने लिए एक ब्राइड निकाला, ब्राइड को बाहर निकाला। ये निर्गमन चल रहा है, निर्गमन चल रहा है, और इस निर्गमन के अंदर ताकि दुल्हन अपने घर, अपने देश, अपने स्थान में पहुंचाई जा सके। इसलिए हर एक भाई बहन उस घर के अंदर, इसलिए हम जो है, हमें लगता है कि ये जो हमारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, ये परमानेंट घर है, परमानेंट पता है, इसका अंदर जो है हमारी जो नेम प्लेटें लगी है, हम इस घर के वासी है, इस देश के वासी है, लेकिन थोड़े समय के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपना दास भविष्यवक्ता भेजकर हमें संस्थाओं से, उन गिरजाओं से, उन ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए निकाला कि क्योंकि परमेश्वर ने चर्च में से चर्च निकालकर अपने लिए एक ब्राइड बनाया, ताकि वो उस परमेश्वर के साथ, उस दुल्हन दुल्हन जो है पृथ्वी की दुल्हन और स्वर्ग का दूल्हा उसके साथ जो पृथ्वी की दुल्हन है, हमेशा के लिए उस स्थान के ऊपर जाए, उस घर में जाए, उस स्थान में जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा घर बनाया, ऐसा घर, क्योंकि ये घर हमेशा के लिए नहीं है, ना इस घर में हम हमेशा के लिए रह सकते, क्योंकि ये घर एक दिन गिर जाएगा, एक दिन ढह जाएगा, क्योंकि यहां का जो पता है, यहाँ के हम रहवासी नहीं है, यहाँ के हम नागरिक नहीं, हम तो स्वर्गीय नागरिक है, हम उस देश से आए और वापस उस देश में लौटने के लिए परमेश्वर ने, इसलिए हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है। इसलिए ये दिखाता है, इसलिए हमारा जो, इसलिए यीशु मसीह ने पुनरुत्थान का प्रमाण भी दिखाया, ताकि ये शीघ्र होने वाला है। बाइबल बताता है ये शीघ्र होने वाला है, और बहुत ही सरलता से जो कोई उस पर, उसके वचन पर विश्वास करेगा, उसके दुल्हन ठीक से, ठीक समय पर यहां से उठाकर स्वर्ग में लेके जाएगी, जिसका वो हमेशा के लिए वो पता होगा, और वहां पर वो मिसेस जीसस क्राइस्ट होगी। इसलिए उसने यहां पर, उसने टोकन दिया पवित्र आत्मा का टोकन, ताकि हमारी एंगेजमेंट हो सके, हम उसकी पत्नी कहला सके, हम उसकी ब्राइड कहला सके, और इसलिए उसने ब्राइड को, जिसको उसने चुना है, जिसको उसने पसंद किया है, उसको टोकन दिया। कौन सा टोकन? जैसा एलियाजर ने रिबिका को देखा, और परमेश्वर ने, परमेश्वर के दूत ने उसको ये साबित किया, उसके अंदर वो सारे गुण पाए गए, तब उस एलियाजर ने उसके लिए, जो अब्राहम, जो इसहाक का पिता था, उसके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए थे, ताकि वो ये पहचानती वो उस इसहाक की पत्नी है, और इसलिए उसको वहां पर उस एलियाजर ने टोकन दिया। आज हमारे लिए ये जो पवित्र आत्मा हमारे लिए इसलिए ये काम कर रहा है, ताकि हमें टोकन दिया जाए, हमें टोकन दिया जाए, ताकि हम यीशु की दुल्हन बने, हमारी पहचान हो। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का, बैप्टिज्म का जो टोकन है, हर एक को दिया, ताकि वे
वापस वैसे ही जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको दुनिया से, संसार से, गिरजाओं से और उन सारे चीजों से निकाला और अपने लिए दुल्हन को बनाया। जैसा पहले निर्गमन में परमेश्वर ने फिरौन के द्वारा वो फिरौन में से और फिरौन के वो उस इजिप्ट में से वो अपने दास भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा उन्हें बाहर निकाला, वो वैसा ही परमेश्वर आज हमारे इस अंतिम तीसरे निर्गमन के अंदर परमेश्वर अपनी दुल्हन को इस संसार में से, संसार के बातों में से बाहर निकाल रहा है, ताकि वो इस मैसेज के द्वारा, इस ट्रूथ के द्वारा, ट्रूथ क्या करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। अभी कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं कर सकती यहाँ के बंधनों से, यहाँ के जंजीरों से, यहाँ की दुनियादारी से, यहाँ के बोझ से, यहाँ की झूठ से, यहाँ की नफरत से, यहाँ के हर एक आकर्षण से, हर एक खिंचाव से, केवल केवल हमें प्रभु का वचन, यीशु मसीह, उस खुदा का वचन, उस परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और इसलिए जैसे इजरायली लोग मार्चिंग करते हुए जा रहे थे उस प्रॉमिस लैंड की ओर, वैसे ही परमेश्वर की दुल्हन अपने घर जो थोड़ा थोड़ा करते हुए आज विश्वासी और कलीसिया ब्राइड थोड़ा थोड़ा करते हुए अपना जो जो सफर है, जो यात्रा है, थोड़ा थोड़ा करते हुए स्वर्ग की ओर, वे तो उस नेचुरल लैंड की ओर थोड़ा थोड़ा करते हुए 40 साल उन्होंने यात्रा की, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इस समय एक थोड़ा सा समय दिया जिसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा ट्रूथ, जो परमेश्वर का ट्रूथ है, और परमेश्वर का ट्रूथ क्या है, उसका वचन। परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करे। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय और 32 वचन के अंदर हम पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई भी संसार की चीज आपको संसारिक बातों से स्वतंत्र नहीं कर सकती, परंतु केवल इस संसार में कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं कि आपको स्वतंत्र करे। वो सत्य है केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ पवित्र वचन, वही वचन आपको क्या करता है, वो सत्य आपको क्या करता है, स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है। वो वचन जो है, सत्य वचन हमें क्या करता है, मुक्त करता है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? पाप के बंधनों से, पाप की उन सारी चीजों से परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। टू शैल मेक यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र करने के लिए इस समय, इसलिए परमेश्वर ने गिरजाओं में से उसकी दुल्हन को बाहर निकाला इस ट्रूथ के द्वारा। सब लोग नहीं जानते ट्रूथ, सब लोग नहीं जानते। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता के द्वारा संतान उत्पन्न होता है, और जब पिता के द्वारा, जो पिता के जिन में से, उस जिन में अनेक संतानें होती, हजारों लाखों, परंतु उसमें से केवल एक ही जिन जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ है, जैसा हमारा शारीरिक जीवन है, जैसा कि एक जीन के द्वारा एक व्यक्ति की, बल्कि बहुत सारे लाखों वो जंतु रहते, लाखों जंतु रहते, परंतु उसमें से
एक एक व्यक्ति एक भाई बहन के अंदर शारीरिक जीवन आता है, शारीरिक जन्म लेता है और वो अपने माता पिता के शारीरिक संतान ठहरते। वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया और हमें अपना पुत्र बनाया, ताकि हम स्वतंत्र हो। इसलिए उसने जगत के आरंभ से हमें चुन लिया ताकि हम संसार और संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार के पाप से, संसार के हर एक आकर्षण से हम मुक्त हो जाए, संसार पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से हम आजाद हो जाए और हम उसके ब्राइड कहलाए, ब्राइड बने, दुल्हन बने और हम मार्चिंग करते हुए हमारे देश, हमारे घर, हमारे स्थान पर जहाँ पर हमारा दूल्हा रहता है वहां पर लेके जाने के लिए, हमें मिसेस जीसस बनाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे अंदर, उस पिता ने हमारे अंदर उसका जीन डाला है ताकि हमारे अंदर हम उसके आत्मिक बेटे बने, हम आत्मिक बेटे बने, हम में आत्मिक जीवन आए। और इसलिए जब शारीरिक पिता के जिन सभी वो जिन्नों उन उसके अंदर बहुत सारे जंतु रहते, सब संतान थोड़े निर्माण होते, केवल एक। जबकि सभी मर जाते परंतु उन कई जंतुओं में से एक एक चुना जाता है, एक उस माता पिता का बेटा होने के लिए कोई एक। जबकि वो लाखों हजारों रहते हैं, लाखों हजारों वो जंतु रहते, केवल एक ही जो उन माता पिता का संतान होने के लिए चुना जाता है, वे ये शारीरिक रीति से जन्मे। वैसा ही परमेश्वर ने हमें भी उसके वचन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उस पिता के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले उसके जिन में से हमें चुन लिया गया ताकि हम उसकी संतान ठहरे। और इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले आरंभ से ही आपको, मुझे, इसलिए संस्थाओं में से, दुनिया में से और सारी चीजों में से उसने चुन लिया। और इसलिए इसी वचन के द्वारा, जो यूहन्ना 8:32 के द्वारा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ताकि सत्य, सत्य सबको स्वतंत्र नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सत्य छूट से स्वतंत्र करने के लिए, परंतु सारे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, केवल वो जो चुने हुए हैं, जिनके अंदर पिता के आत्मिक गुण है, पिता ने आरंभ से चुना है, वे ही चुने जाते हैं और वे ही स्वतंत्र किए जाते हैं। इसलिए दुल्हन और थोड़ा 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 निकट अपने घर के लिए, जब भी हम यात्रा में होते हैं, किसी स्थान में जाते हैं, तो हमारे यात्रा का आरंभ होता है और हम अपने घर की ओर जैसा लौटने की शुरुआत करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा उस ट्रैवलिंग के अंदर समय और वक्त और वो सारी बातें कटती जाती है, ताकि हम परमेश्वर के घर, मतलब हम अपने घर वापस लौट सके। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में, जब हम यहाँ पर चुने गए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर हमें अब हमारे यात्रा के अंदर वापस हमें उस स्थान पे जहाँ पर हमारा दूल्हा है, हमें थोड़ा थोड़ा करके उस घर के निकट ले हमें जाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे हमारे घर की ओर। हम थोड़ा थोड़ा हो हमारे घर की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हमारा घर इस संसार में नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु हमारा घर स्वर्ग के अंदर है और हम वहां पर हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, परमेश्वर ने हमें वहां का नागरिकत्व दिया, उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने दुल्हन बनाया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दुल्हन वापस अपने घर, जो उसका घर स्वर्ग के अंदर है, उसका नागरिकत्व स्वर्ग के अंदर है, वो मिसेस, वो जीसस है, उसे वापस उस यीशु मसीह के पास लौटना चाहिए, वापस उस स्थान में जाना चाहिए।
उस जगह देखिए यीशु मसीह कहां पर लौटा, स्वर्ग के अंदर। बाइबल क्या कहती है, लूका रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय और 51 वर्स के अंदर लिखा है, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। एक मिनट, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पे उठा लिया गया। यीशु मसीह कहां पर गया, स्वर्ग के अंदर। वो कहां से आया, स्वर्ग से, और स्वर्ग से आया और स्वर्ग को लौट गया। अब जो उसकी दुल्हन है, ये दुल्हन उसके अंदर चुनी हुई है, उसके हड्डी में से हड्डी, मांस में से मांस, लहू में से लहू, वचन में से वचन, जीवन में से जीवन, आत्मा में से आत्मा, उसके पसली में से, उसके भीतर में से निकली हुई, उसमें से वो यीशु में से निकली हुई मिसेस यीशु है, और कोई नाम नहीं है। अब ये मिसेस मेथोडिस्ट नहीं हो सकती, मिसेस लूथरन नहीं हो सकती, मिसेस अन्य कुछ नहीं हो सकती, मिसेस क्राइस्ट, मिसेस जीसस कहां में से निकली, जैसा हम उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम में से, नर में से निकली हुई नारी का, नर में से निकली हुई नारी का, और आदम ने उसे देखकर जब देखा तो उसने कहा कि ये तो मेरे समान और मुझ में से निकली हुई नारी है, नर में से निकली हुई नारी है। वैसे ही इस युग के अंदर, इस तीसरे निर्गमन के अंदर परमेश्वर ने अपने लिए वचन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, संस्था में से, दुनिया में से, वो सारी चीजों में से उसने अपने वचन में, वो अपने पसली में से 2000 साल पहले एक स्त्री को उत्पन्न किया, और वो स्त्री थी मिसेस क्राइस्ट। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यीशु जो है स्वर्ग में गया, वैसे ही उसकी दुल्हन स्वर्ग के अंदर जाएगी। इसलिए दुल्हन को थोड़ा थोड़ा करते हुए, थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने देश, अपने घर की ओर लौटना चाहिए। यह हमारा हमेशा का घर नहीं, यहां पर परमेश्वर ने हमें थोड़े दिनों के लिए रखा ताकि हम यहां पर अपनी तैयारी करें, वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा, नबी के संदेश के द्वारा, और हमारी तैयारी होने के, इस तैयारी के अंदर पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा हमारे समय को हम परमेश्वर के निकट और निकट हमारे देश की ओर हमें बढ़ते जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमें उस पिरामिड के शेप में आते जाना चाहिए, ताकि एक समय आएगा कि हम, हमारा जो दूल्हा है स्वर्ग में है, जब हम तैयार हो जाएंगे तब वो हमें लेने के लिए वहां पर इस स्थान से, क्योंकि हम खुद रैप्चर में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उस स्थिति में लेके जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि अगर हमें मध्य आकाश में जाना है, पलक झपकते बदलना है, तो हमें अपनी तैयारी करना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने देश की ओर, अपने घर की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। उस अंतर को, उस दूरी को काटते हुए हमें और थोड़ा थोड़ा उस परमेश्वर के पास, जहां पर वो रहता है, और निकट निकट जाना चाहिए। ना कि केवल हम मैसेज को थामने से नहीं, लेकिन मैसेज के उपस्थित, मतलब मैसेज को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख, दिन रात परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर के वो साथ साथ चलना चाहिए। इसलिए इस अंतर को थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें काटते हुए जाना चाहिए। हम देखते कि बहुत सारी दूरियां होती है, और हम दूरी कुछ थोड़ा थोड़ा करते हुए हम हमारे घर से जब दूर जाते हैं, दूर रहते हैं, तब हम थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करते हुए उस दूरी को हम क्या करते हैं, नजदीक आना शुरू करते हैं। वैसे ही आत्मिक रीति से हमें भी, जबकि हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के घर, इस दूरी को थोड़ा 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 करते हुए परमेश्वर के निकट, जो हमारा जो घर है, जो हमेशा के लिए हमारा जो घर का पता है, ये हमेशा के लिए रहेगा, जो स्वर्गीय घर का पता, पृथ्वी के घर का पता हमेशा के लिए नहीं। ये जो हमारा पृथ्वी का जो स्थान है वो हमेशा के लिए नहीं है, ना ये पता जो है, जो हमारा एड्रेस परमानेंट नहीं है। हमारे बाप दादा इस स्थान में थे और वे इस स्थान को छोड़कर चले गए, हमारे जो पूर्वज थे इस स्थान को छोड़कर गए। ये जो पता है, ये जो एड्रेस है, ये हमेशा के लिए नहीं, परंतु वो जो स्थान है जहां पर हम जाने वाले हैं, उसकी दुल्हन जाने वाली है, वो एड्रेस परमानेंट है, प्रेज लॉर्ड, वहां पर हम हमेशा रहने वाले। इसलिए जहां यीशु गया वहां पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह गए वहां पर हम सबको जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अंदर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमारे घर की ओर हमें बढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए ये समय है कि हम अपने घर की ओर बढ़ने का, घर की ओर जाने का, दुल्हन को अपने घर की ओर बढ़ने का ये समय है। और इस समय के अंदर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि दुल्हन जो है उसके पास, उस परमेश्वर के पास जाने का समय आ चुका है। इसलिए हमें उस दूरी को कम करना चाहिए। वैशोक्ता कहते हैं कि उस दूरी को हमें कम करना चाहिए, ताकि जो छुड़ाई हुई, जो दुल्हन है जिसका छुटकारा हो चुका है, उस दुल्हन को वापस अपने घर, अपने स्थान पर लौटना चाहिए। इसलिए तो भविष्यवक्ता कहते हैं कि क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड, संदेश के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने अपने दुल्हन को वापस लौटने के लिए, इसलिए उसका छुटकारा करने के लिए उसने अपना जीवन दिया, अपना लहू दिया और उस क्रूस पर खुद को बलिदान किया, ताकि उस मृत्यु का, जो वो मृत्यु हमें बंधनों में पकड़ कर था, हमें बांध कर था, वो जो मृत्यु, वो सारी चीजें हमें जकड़ कर थी, उन सारी चीजों से हमें छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ने इसलिए कहा कि वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ताकि दुल्हन स्वतंत्र होकर वापस अपने मूल पति के पास, अपने घर वापस वो भाई ब्रैनम करते हैं कि मार्च करते हुए, वो मार्च करते हुए अपने घर की ओर लौटे, क्योंकि उसका हस्बैंड, वो कहते हैं कि वेटिंग फॉर अस हस्बैंड टू कम, क्योंकि वो दूल्हा हमारा इंतजार कर रहा है। कहां पर, जहां पर हम हमेशा रहने वाले, जहां पर हम उसके साथ रहने वाले, उसके संग रहने वाले, वो हमारा परमानेंट एड्रेस होगा, वो वहां पर दूल्हा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें उस दूरी को थोड़ा थोड़ा आत्मिक रीति से उसके वचन के द्वारा, उस संदेश के द्वारा हमें उस अंतर को थोड़ा थोड़ा काटते रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि उसका वचन हमारे अंदर क्या हो, मैनिफेस्ट हो, मैनिफेस्ट हो। इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब वचन मैनिफेस्ट होता है, तब वो कहते हैं कि एडम एंड यू गोइंग बैक टू अगेन, वो आदम और हवा वापस वे अपने घर क्या कर रहे, घर जा रहे, वे वापस घर जा रहे। इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ का जो घर है हमारा परमानेंट एड्रेस है, हमें इसमें लगाव होता है, खिंचाव होता है, परंतु ये थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए। इसलिए जो दुल्हन है वो दुल्हन क्या करती है, अपनी तैयारी करती है, ताकि अपने दूल्हे के पास जा सके।
दूल्हे के पास वो रह सके। इसलिए दुल्हन ने जो कुछ खोया, जो कुछ उसका लॉस्ट हो गया, इन दिनों के अंदर परमेश्वर अपने दुल्हन को मलाकी 4:5 के संदेश के द्वारा वापस रिस्टोर कर रहा है, ताकि उसको वापस उसके अंदर वैसा ही कर रहा है जैसा प्रारंभ में परमेश्वर की जो इच्छा थी, प्रारंभ में परमेश्वर जो चाहता था। इसलिए मनुष्य के हृदयों को, उसके दुल्हन के हृदय को वापस क्या कर रहा है, दूल्हे की तरफ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूल्हे की तरफ, दूल्हे का जो जीवन, मतलब दूल्हा जो इंतजार कर रहा है, उन तो परमेश्वर ने क्या किया, जो भी परमेश्वर ने दुल्हन का जो भी खो दिया, उस विश्वास को, उस जीवन को, उसे रिस्टोर कर रहा है, पुनः वो स्थापित कर रहा है, पुनः उस विश्वास को, उस जीवन को उस दुल्हन के अंदर ला रहा है, ताकि वो दुल्हन उसके जो पति की ओर, उसके दूल्हे की ओर वो आकर्षित रहे, उसकी ओर खींचे रहे, उसकी ओर उसका मन लगा रहे, और वो थोड़ा थोड़ा करते हुए उस परमेश्वर की ओर बढ़े, उस परमेश्वर के निकट जाए। इसलिए परमेश्वर ने, इसलिए वो रिस्टोर कर रहा है मनुष्यों के हृदयों को, उसे विश्वास के द्वारा मनुष्य के हृदय में, ताकि वो उस परमेश्वर के साथ मिल सके। देखिए, आरंभ में परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने उस सर्प ने, जो सर्प दुर्त था, उसने हवा को बहका कर, जब उसने वो पाप करवाया, जब उसने परमेश्वर से अलग किया, उसने वचन पर अविश्वास लेकर लाया, और तब परमेश्वर ने जब श्राप दिया, उस श्राप के अंदर परमेश्वर ने कहा कि तू पुत्र जनेगी और तेरा आकर्षण अपने पति की ओर रहेगा। जैसा भाई ब्रैनम कहते हैं, जैसा शारीरिक है, स्वाभाविक है, वैसा ही आत्मिक है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका सारा जो चीजें है उसके पति की ओर, हवा का जो भी आकर्षण था, जो भी खिंचाव था, वो सारे कष्टों और दुखों के अंदर उसका सारा खिंचाव उसका उसके पति की ओर, आदम की ओर था, और इतने कष्टों के अंदर, दुखों के अंदर वो आदम के साथ बंधी हुई थी और वो आदम की ओर उसका आकर्षण था। वैसे ही जैसा स्वाभाविक है, वैसे ही आत्मिक है। इस यात्रा के अंदर हमें कष्ट, दुख, तकलीफें, यातनाएं, परखा जाना, बीमारियां, तंगी, मुसीबत और कुछ चीजें आ सकती हैं, परंतु हमारा आकर्षण, हमारा खिंचाव हमारे दूल्हे की ओर, क्योंकि कलीसिया ये इसका आकर्षण उस मसीहा की ओर होगा, और वो उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा आकर्षण, इसलिए वो आत्मिक रीति से थोड़ा थोड़ा करते हुए उस यीशु के, मतलब उस देश की ओर, उस स्वर्ग की ओर, जहां पर उसका दूल्हा है, ब्राइडग्रूम है, उसकी ओर वो थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे उस घर, उसके घर की ओर, उसके मूल स्थान की ओर बढ़ते जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसा शारीरिक है, स्वाभाविक है, वैसा ही आत्मिक भी है। जैसा, क्योंकि प्रॉफिट कहते, द विजिबल इनविजिबल यूनियन ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, इस संदेश के अंदर कहते हैं, दिस इज फॉर द ब्राइड गोइंग होम ऑफ द ब्राइड। क्योंकि दुल्हन अपने अपने घर को जा रही है, और वो उसके लिए, उसको इस ब्राइड एज के अंदर परमेश्वर उसको अब उस विश्वास के द्वारा, इस ब्राइड एज के संदेश के द्वारा, इस ब्राइड एज के मैसेज के द्वारा वो वापस अपने घर लौट रहा है, ना कि नोहा के संदेश के द्वारा, ना कि मूसा के संदेश के द्वारा। अब वो काम नहीं करेंगे,
क्योंकि अब ब्राइड एज का संदेश चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के निकट जाना है, अब हमें अपने घर लौटना है, अब हमें अपने स्थान में जाना है जहां पर हमारा दूल्हा है, जो हमारा हस्बैंड है, जो हमारा इंतजार कर रहा है स्वर्ग के अंदर, और वो उसके पास जाने के लिए इस ब्राइट एज का संदेश चाहिए। आमीन। इस युग का, इस समय का वो संदेश चाहिए। इसलिए अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए, जैसा कि उस पिता ने, अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए दुल्हन को ढूंढने के लिए एलियाजर को भेजा, वैसे ही मैं, अगर मेरा जो वैदिक मत है कि वैसे ही परमेश्वर ने अपने दुल्हन को ढूंढने के लिए नबी को भेजा, ताकि वो उस संदेश के द्वारा, पवित्र आत्मा के संदेश के द्वारा उसकी दुल्हन को ढूंढा जाए, जहां जहां दुल्हन हो, संसार में हो, संसार के वो जो भी वो गिरजा में हो, उन सब को ढूंढकर अपने मूल स्थान में अपने दूल्हे के पास लौटाने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने इस युग का संदेश दिया ताकि दुल्हन वापस लौट जाए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि दुल्हन वापस लौटे, क्योंकि दुल्हा ही, क्योंकि यहाँ का जो घर, यहाँ का जो स्थान, यहाँ का जो पता है, यहाँ का जो भी घर है, यहाँ के जो हमारे शहर है, देश है, ये हमारा परमानेंट पता नहीं है। हमारा परमानेंट पता है स्वर्ग, जहां पर हमारा दूल्हा, हमारा यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा हमारी तैयारी करना चाहिए। हम ये हमें आश्वस्त करना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, हम प्रार्थना में बढ़े, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर से हम बात करें, पवित्र आत्मा से अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा का जीवन हमारे अंदर आए। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, इसलिए हमें दिन रात प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि हम हमारी दूरी जो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर, कौन सी दूरी है, अब एक शहर से एक शहर नहीं, एक राज्य से एक राज्य नहीं, एक देश से देश नहीं है, अब ये जो दूरी है, पृथ्वी और स्वर्ग की दूरी है, दूल्हा तो स्वर्ग में है और दुल्हन जो पृथ्वी पर है, जब तक दुल्हन इस संदेश के द्वारा तैयार नहीं की जाएगी, तब तक दुल्हन, दूल्हा वो आएगा नहीं। जब उसकी दुल्हन तैयार हो जाएगी, जब उसकी ब्राइड तैयार हो जाएगी, तब वो स्वर्गीय दूल्हा पृथ्वी की दुल्हन को लेने के लिए वो इस मध्य आकाश में आएगा, तिसलोनी 4 के अनुसार, 4:16 के अनुसार। परंतु दुल्हन को थोड़ा थोड़ा क्लोजर टू होम, अपने घर के नजदीक क्या बढ़ाना है, ये शारीरिक घर के नहीं, इस स्थान के घर के नहीं, आत्मिक देश के, उस स्वर्गीय देश के, उस दूरी को उसके दुल्हन ने बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, वो दूरी को कम करते हुए, माफ करना, बढ़ाते नहीं, कम करते हुए थोड़ा थोड़ा कर जाना चाहिए। ये आत्मिक दूरी है, आत्मिक रीति से इसको हमें नजदीक करते जाना चाहिए, आत्मिक रीति से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए हमारे देश की ओर, हमारे उस घर की ओर जाना चाहिए, हमारे उस स्थान की ओर जाना चाहिए जहां पर हमारा दूल्हा इंतजार कर रहा है। कोई तो भी है हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमारा दूल्हा जो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, अपना लहू बहाया, अपना स्वर्गीय घर छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर हमारे लिए, हमारे अपनों के बीच में आया, लहू लुहान आया, हमारे अपनों ने उसे बहुत मारा, उसे पीटा हमारे खातिर, और उसे ठुकरा दिया, उसे इनकार कर दिया, उसे लहू लुहान किया, कांटों का मुकुट बनाया, उसके वस्त्र निकाले गए सिर्फ हमारे लिए, दुल्हन के लिए, हम सब के लिए। उसने, वो इतना प्रेमी है अपने दुल्हन का,
कि वो अपने दुल्हन के लिए इतना वो बदनाम हुआ, इतने उसके उसको इतने कष्ट और दुख और इतने सारी चीजें उसको सहना पड़ा, क्योंकि वो दुल्हन के बगैर वो रहना नहीं चाहता। इसलिए उसने फिर से जब वो वापस लौटा तो उसने फिर से हमारे लिए टोकन दिया, और वो पवित्र आत्मा का टोकन जो उसने स्वर्ग से भेजा ताकि वो पहचान हो सके। Praise Lord, Hallelujah। इसलिए ब्राइड को उस दूरी को थोड़ा थोड़ा करते काम कम करते जाना चाहिए, ताकि हम ये जो है जो सुपरनेचुरल ब्राइड जो है जो परमेश्वर की दुल्हन है, ये पलक झपकते ही बदलने वाली वचन के तक, ये सीक्रेटली होगा। परंतु जब हम इस शरीर में रहते हैं, हम अपने आप को उस वचन के द्वारा, उस मैसेज के द्वारा, प्रोफेटिक मैसेज के द्वारा हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम परमेश्वर के निकट जा सके, परमेश्वर के पास जा सके। और इसलिए इसलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रा के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर कार एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे, दुर्घटनाएं हो रहे, समस्या आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहे कि उनके जीवन का अंत हो रहा है, लोग नाश हो रहे, नष्ट हो रहे, लेकिन परमेश्वर अपने दुल्हन को अपने मूल स्थान में, मूल जगह पर लेके जाना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते कि ये हमारा गिरजा या हमारा घर, हमारा स्थान, ये परमानेंट पता है, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, ये थोड़े समय के लिए, एक दिन इस मिट्टी का घर गिर जाएगा या इससे छोड़कर जाना पड़ेगा। इसकी उम्र है 50 साल, 60 साल, 70 साल, एक दिन ये गिरने वाला है। परंतु ये गिरने से पहले हमें उस स्वर्गीय घर को प्रवेश करने के लिए, उस स्वर्गीय घर में जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। हमारे उस देश में जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रार्थना करना चाहिए। इस युग के संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें क्या, बाइबल क्या कहता है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए हमें हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को मांगना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, मैं आपके निकट और निकट आना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए उन दूरियों को हमें काटते हुए जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते हुए उस स्वर्गीय दूरी को आत्मिक रीति से कम करते जाना चाहिए। जहाँ की हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये तो हमारे लिए परमेश्वर ने टेम्पररी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए स्थान को रखा, परंतु हम इसमें ना रहे, इसमें से स्वतंत्र हो। इसलिए ये सत्य वचन दिया, ताकि सत्य वचन के द्वारा हम स्वतंत्र किए जाए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है। भाई ब्रैनम कहते हैं बहुत सारे संदेश के अंदर, अब वो समय, वो वक्त आ गया कि मेरे घर लौटने का। कौन से घर? उनके घर की बात नहीं कर रहे, उस स्वर्गीय घर की। आज सारे संसार के अंदर उसकी जो दुल्हन है, उसकी जो कलीसिया है, जो सुपर नेचुरल ब्राइड है, उसको वापस अपने घर के लिए अपने आप को मार्चिंग करते हुए उस होम की ओर, जहां पर उसका दूल्हा जो यीशु मसीह है, मिसेस क्राइस्ट को वापस लौटना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, दुल्हन अपने घर, क्योंकि इसी एज के अंदर दुल्हन लौटने वाली है। और हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू वो सारी घटनाएं हो रही है, हम अंतिम समय में आ चुके हैं, अंतिम टाइम आ चुका है, अब वो परमेश्वर का दूल्हा आने का समय हो चुका है। इसलिए वो सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां आज हम सारे
दुनिया के अंदर देखते हैं कि ऐसे दिन हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसे दिनों की हमने कभी कल्पना नहीं की थी, परंतु आज हमारे दिनों के अंदर हम देखते हैं, अनुभवते हैं, उसमें हम रह रहे हैं और कई महीने बीत गए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि ऐसे स्थिति में उसकी दुल्हन जो उससे शायद दूर हो सकती है, उसके वचन से दूर हो सकती है, उसके संदेश से दूर हो सकती है, इसलिए यीशु चाहता है कि हम उसके निकट और निकट, उसके राज्य के निकट, उसके उस देश के उस घर के निकट उसकी दुल्हन आए। इसलिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के अंदर या इस महामारी के अंदर परमेश्वर ने आपको फिर याद दिलाया कि आप जो है परमेश्वर की दुल्हन है और इस ब्राइड एज में रहती है, इसलिए आपको इस संदेश का उसने स्मरण दिलाया, वचन का स्मरण दिलाया, ताकि आप वापस आपके मूल घर लौटे, मूल स्थान में लौटे, जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आपके लिए इंतजार कर रहा है, ताकि आप तैयार हो जाए इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा, ताकि वो आपको लेने आए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आप भूलिए मत, मुझे भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं, आप दुल्हन हो, आपको किसने चुनना, आपको स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने चुना, उसने अपना सब कुछ देकर आपको चुना, वो अपनों के घर आया लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज वो मौका हमें मिला, आज हमें वो अवसर मिला कि हम उसकी दुल्हन बने। इस मौके अवसर को खोइए मत, कैसे भी वो किसी भी स्थिति में हो, हमें प्रयास करके उसे प्राप्त करना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आज रात प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे इस दिव्य वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, नबी के अपने उस महान उस संदेश वाहक के द्वारा वो आपसे भेंट करना चाहता है, वो आपको दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। पहले खुदाओं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, ये आपने हमें चुन लिया, आपने हमें देखा, आपने हमें हमारे अंदर आपका जीवन रखा। पिता हम कमजोर हैं, इस कमजोरी के अंदर प्रभु हम गिरते हैं और हम से गलतियां होती है, परंतु पिता हमें विनती करता हूँ हम में से किसी की गलतियों को ना देखें, बल्कि उस लहू को हम पर फिर से पिता प्रभु यीशु मसीह फिर से आप उस लहू को छिड़किए, ताकि हमारे पाप वो कितने भी लाल हो, आपने कहा आपके वचन में हेम के समान मैं शुभ्र बनाऊंगा। हाँ पिता, आप पर मुझे विश्वास है, मेरे भाई बहनों को विश्वास है, आपकी जो दुल्हन मिसेस जीसस को, वो क्राइस्ट को विश्वास है। पिता आप हमारी सहायता कर, आप हमारी मदद कर, क्योंकि संसार वो फाड़ खाने वाले, संसार के अंदर फाड़ खाने वाले उन सारे जो प्रभु शैतान की दुराचारी आत्मा है, जो भटकाने वाली, जो बहलाने वाली, फुसलाने वाली, जो प्रभु उजाड़ करने वाली आत्मा है, जो नष्ट करने वाली, वो भटकाने वाली ऐसी आत्माएं, उन सब से हमारे भाई बहनों को बचा के रख पिता। हमारा ये और उद्देश्य है कि हम इस समय के, इस घड़ी के मैसेज के द्वारा हम अपने देश, अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पर आप है पिता, हम थोड़ा थोड़ा करके हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं। इसलिए यही मैसेज हमें वो सहायता करना, इससे हमें ताए बाए मत जाने दे पिता, हमारी अगुवाई कर, हमारे भाई बहनों की अगुवाई कर, और हम सब पर दया कृपा कर, सारा आदर महिमा गौरव आप ही मुझे दे पिता। हम पर आपकी मोहर लगाइए, हर भाई बहनों पे मोहर लगाइए, ताकि यीशु हम आपकी महिमा स्तुति कर सके। सारा गौरव महिमा स्तुति जय जयकार सब कुछ आपको देते हैं पिता। मेरे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे आलस और प्रभु वो सारे प्रभु यीशु, हमारे सारे प्रभु यीशु स्वभाव को जो आपके और आपके वचन के विरुद्ध, आपके उस प्रभु यीशु प्रभु वचन के खिलाफ में हम जीते, हमें क्षमा कर, हम करते हैं हमें क्षमा कर,
हमारी अगुवाई कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आप ही को देते हैं, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं और सुनो और कबूल कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए हम अपने आप की तैयारी करें इस मैसेज के द्वारा और हम वापस क्लोजर टू होम, मतलब हम हमारे स्वर्गीय घर की ओर, हमारे उस देश की ओर हम नजदीक नजदीक बनाते रहे। प्रभु आप सबको आशीष करें और